आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट। किन में से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो कि मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन हमें नीचे दिए गए यहाँ पे ए बी सी एंड डी। तो हमें देखना है कि जो कौन सा जो स्टेटमेंट्स हैं ऑप्शन से हमारा करेक्ट है। तो पहले हम मोटिवेशन के बारे में और लर्निंग के बारे में समझ लेते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक तरह से एक कारण है, सी कॉज है, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है और लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। हम ये भी कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक तरह से रीजन भी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए रीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरा क्या, एक तरह से एक कॉज है या फिर एक तरह से क्या स्पेसिफिक एक्शन है जो कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर और मोटिवेशन के बारे में अब हम क्या समझते हैं कि मोटिवेशन क्या है, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या लर्निंग सीखने के लिए, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शंस को रीड करते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा, कह रहा है कि मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन लर्निंग, मोटिवेशन का लर्निंग के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि मोटिवेशन किसी भी चीज़ को रोल को प्ले करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। और जो ऑप्शन बी है वो क्या है, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली वेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड, कि लर्निंग तभी इफेक्टिव है जब स्टूडेंट्स एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए मोटिवेट होते हैं। ये भी गलत है क्योंकि इंटरनली स्टूडेंट्स का मोटिव होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, एक्सटर्नली नहीं इंटरनली होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन जो सी है वो क्या है, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली वेन द स्टूडेंट्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन और डिजायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइड, कि लर्निंग तभी इफेक्टिव है जब जब स्टूडेंट्स की आंतरिक जो उनके अंदर से जो मोटिवेशन जागे और आंतरिक जो क्या डिजायर जब उनके अंदर आए कुछ चीज़ सीखने की, जब इच्छा स्वच्छ इच्छा जो अंदर से आती है और जब अंदर से उनको एक डिजायर होती है कि हमें कुछ सीखना है, तभी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो पाती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। हम एक बार ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, की लर्निंग तभी इफेक्टिव है जब बच्चे क्या बाहरी रूप से मोटिवेट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।